स्पाइडरमैन और आयरन मैन सभी के कई बेजोड़ सुपर हीरो की रचना करने वाले स्टैन ली का 95 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। उन्हें कॉमिक्स की किताबों की दुनिया का एक नए युग का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य की विधा की सीमाओं को एक नया रूप देने में बिता दिया। जी हाँ, आपको बता दें, द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार 1960 के दशक की शुरुआत में अपने चटल और प्रयानित्तिक रूप से दोहरे सुपर हीरो किरदारों से नई पॉप संस्कृति का आगाज करने वाले ली का सोमवार से निधन हो गया। जी हाँ, 28 दिसंबर 1922 को जन्मे स्टैन ली मार्टिन लीवर के मार्वेल कॉमिक्स में रहते हुए जैक किर्बी और स्टीव डिटको के साथ कई किरदार गढ़े। या किर्बी के साथ मिलकर ली ने हल्क, थोर, आयरन मैन और एक्समैन जैसे किरदारों को पुनर्जीवित किया। अपनी सामाजिक प्रसंगति के चलते चित्रकथाओं में इन किरदारों ने युवा दर्शकों के साथ तुरंत एक नाता बना लिया। अपने चाचा रॉबी सोलोमन के साथ ली ने 17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था। आपको बता दें, टाइम ली कॉमिक्स में वे सहायक बने, बाद में मार्वेल बनी। उपनाम स्टैन ली के नाम से उन्होंने चित्र कथाएं लिखनी शुरू की। वहीं आपको बता दें, लेखक के रूप में उन्हें पहला श्रेय 1941 में कैप्टन अमेरिका की कहानी से मिला। टाइम ली के संपादक जोए सिमोन और उनके रचनात्मक सहयोगी जैक किर्बी ने जब 1941 में कंपनी छोड़ी, तब इसके प्रकाशक मार्टिन गुडमैन ने ली को इसका अंतरिम संपादक बनाया। मैं आपको बता दें, 1942 की शुरुआत में वे अमेरिका सेना में भर्ती हुए, जहां वह सिग्नल कोर के सदस्य थे, टेलीग्राफ के अंबों और संचार के अन्य उपकरणों की मरम्मत करते थे। वहीं डीसी कॉमिक्स को भरता देख और चित्रकथाओं की दुनिया में नई जान फूंकने के लिए गुडमैन ने ली से एक नए सुपर हीरो टीम बनाने को कहा। इसका नतीजा फैंटास्टिक फोर के रूप में सामने आया, जिसे उन्हें किर्बी के साथ मिलकर बनाया था। इसके बाद दोनों ने कई किरदारों पर काम किया और सफलता अर्जित की। क्यूरियन एंड एक्स की रिपोर्ट।